बुद्ध को गलत नहीं कह सकते ना यार, मतलब हमारा पहला ख्याल और था, पहली हमारी तालीम और थी ना जी। अब जब हम इन लोगों में भी आए ना जी, अब इनकी तालीम भी हमारे अंदर आ गई ना जी। फोन करना अंदर गए नहीं, इनकी भी तालीम हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत आ गई ना। आप इनके साथ हमारे रबते जो होते हैं, महात्मा बुद्ध का ये था, हम ये समझते थे कि जो कलमा नहीं पढ़े ना वो बेइज्जती नहीं हो सकता। आज तक हमारे मुस्लिम यही कहते हैं ना, जो कलमा नहीं पढ़े बेइज्जती नहीं हो सकता। ये जो कहा है गलत कहा है, बल्कि यहाँ तक हमारे उलमा ने कहा है, किताबों में हमने देखा है कि क्यों, चूंकि आपकी वालदा ने भी कलमा नहीं पढ़ा था जी। क्या होता है हूं बहस चल रही है साढ़े उलमा विच, क्या अपने वालदा ने कलमा लोगों मौलवियों ने एतराज किया ना, क्या अपने वालदा ने भी कलमा नहीं सी पढ़िया, दादे ने भी कलमा नहीं सी पढ़िया। इन्हें फिर क्या आख्या साढ़े मौलवियों ने कि वो रूहानी तौर पर फलानी पहाड़ी पर आए थे तो हजूर पाक ने कलमा पढ़ाया से। यही कहने ना इसका मकसद है उन्होंने दो सुबह बगैर सारे फिर जन्मी हो गए, बाकी जेडे नबी से उन्होंने भी ये कलमा नहीं सी पढ़िया ना, उन्हें पता ही कौन सी इस कलमे का, हजूर पाक से पहले जेडे नबी से ये कलमा तो उन्होंने भी कौन सी पढ़िया। हजूर पाक ने वालदा ने या दादा ने या चचा ने उन्होंने भी कलमा नहीं सी पढ़िया, वो जरा उन्होंने अपने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने कलमा पढ़ते सुनना। हूँ साढ़े आखते ने कि जरा ये कलमा हजूर पाक तू बाद भी आखते ने, ये भी पहले भी आखते ने, वालदा दादा पहले सुनना इन्हें इख्तलाफ साढ़े पा छोड़े ना। असा देखा है अगर किसी कलमा नहीं भी पढ़िया रब की तलाश च निकल गया, वो इन्हें कलमा पढ़ने वाले को बेहतर है जिन्होंने रब की तलाश नहीं जी। वो जो ना महात्मा बुद्ध उस शक नहीं, उसने कलमा नहीं सी पढ़िया लेकिन उसने रब की तलाश सी, रब की तलाश च होकर जाके जंगल च बैठ गया। हूं उसने जो तरीका आमला सी उसने कीता ना, कोशिश पूरी कोशिश तो अपनी कीती है ना, मिले या ना मिले सच्ची कोशिश तो मैं ताला जेड़ा नीते नूं देखदा ना, अमला वाले सजदे ना वो सजदे नूं नहीं देखदा ना, नीते नूं देखदा ना, उस नीयत रब नूं पाण दी सी ना। हां तो असीं किस तरह चुटला सकीए उसनूं, किस तरह कह सकीए जन्मी है, हो सकदा उसकी नीयत उत्ते अल्लाह ताला ने उस उत्ते फिर करम कर दिता। क्यों जी नीयत रब नूं पाण दी सी, दुनिया की कोई हेरा फेरी नहीं सी ना, हेरा फेरी नूं गलत समझदा सी ना, उसने अपने मजहब की तालीम दी है लोगों नूं कि कोई हेरा फेरी नहीं करो, कोई गुनाह नहीं करो, उसने किसी गुनाह की तरकीब तो नहीं दी ना, बाज रखने की बाज रखने का क्या है ना, तो फिर उसकी किस तरह गलत आखी है सी, अगे उसने मिलया या नहीं मिलया ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन उसकी जी तालीम है ना ये जी दे गया ना। बाकी साड़ी तालीम विच कुछ होर सजदे सुजदे ने, उन्होंने कुछ होर ने, साड़ी तालीम विच आया कि नबी आया फिर अल्लाह ताला ने उसकी कानून मनसूख किए दूए कानून बना दिते, साढ़े भी कानून टकरा दे ना, ईसाई भी आले किताब है असी भी आले किताब साढ़े कानून टकरा दे ना, वो एक शादी कर सकता असी चार शादियां कर सकते, टकरा गए कानून इसी तरह बुद्ध मजहब साढ़े कानून टकरा गए, लेकिन बुराई की तरकीब नहीं है, नहीं समझे जी, बुराई की तरकीब नहीं। हाँ बुराई की अगर तरकीब है ना तो जरा कराची जिगरी फिरका है जी।
ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਗਯੂਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡੀ مذہب غلط ہے یا مذہب چ نہیں ہے دو چیزاں ہو سکتی یا تو سب مذہب غلط ہے اگر مذہب صحیح ہے یہ پھر خوارج ہے مذہب تو نکلے ہے اس نو حضور پاک نے خوارج آخیا تو جہاں نمازاں پڑھتا ہے تو برائیاں بھی نال دکھاوے دے کرتا تو اس نے منافق آخیا مسیحی نماز تسمیاں لے کے دکھاوے کرتے نا اندر کالے نا منافق آخیا تو جڑے نکلے نا مسیحیاں وچوں بھی انہاں کی خوارج آخیا یہ راز اسی دور تو چلتے آ رہے ہیں حضور پاک سے پہلے بھی چلتے آ رہے ہیں باقی نبی آئے نبی ٹکرا رہنا ہے نبی ٹکرا حضور پاک نے ٹکرا ہوا ہے نا تو انہیں ٹکراؤ کیا مت کرے گا کیوں ٹکرا رہے ہیں تو کیڑی گل ہے غلط ہے کیوں ٹکرا رہے ہیں تو اللہ اللہ تو ٹکرا رہے ہیں کوئی لوگ نا جس سارے مذہب ایک ہو گئے نا یہ نہیں یہ آخو کہ جس سارے مذہب چ نکل گئے سارے خوارج ہو گئے نا سارے خوارج ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ یہ دعائی پہ لیے تاکہ سارے ہک ہو جائیں تو واقعی دیکھ رہے ہیں جس اندر دعائی جاندی اثر دکھا رہی ہے لوگ لکھتے بھی نہیں سات دن یا پانچ دن اسی ویلے پانچ دس منٹ بعد اچھی گل ہے جان چھوٹ گئی نہ لکھا بڑے حیران ہوتے کہ لکھن تو بغیر کیا